हेलो दोस्तों, ये वीडियो एग्रोनॉमी नेट एआरएस एग्ज़ाम सीरीज़ का 12वां वीडियो है। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? उसको क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, आज का टॉपिक है रिलेटिव वाटर कंटेंट। देखते हैं इसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। रिलेटिव वाटर कंटेंट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ लीव एट द टाइम ऑफ सैम्पलिंग रिलेटिव टू द मैक्सिमल वाटर अ लीफ कैन होल्ड। मतलब रिलेटिव वाटर कंटेंट क्या है? मतलब रिलेटिव सैम्पलिंग जब करते हैं उस समय जब लीफ का वाटर कंटेंट रहता है, ठीक है, और कितना वाटर वो लीफ एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब वो होल्ड कर सकता है, तो ये दोनों का जो रेशियो है वो कहलाता है अपना रिलेटिव वाटर कंटेंट, ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन वाटर रिलेशन स्टडीज। एग्जाम्पल, इट अलाउज द कैलकुलेशन ऑफ द ऑस्मोटिक पोटेंशियल एट फुल टर्गर। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वाटर रिलेशन के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन में भी यूज़ होता है रिलेटिव वाटर कंटेंट, ठीक है। रिलेटिव वाटर कंटेंट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ प्लांट वाटर स्टेटस इन टर्म्स ऑफ द फिजियोलॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ सेलुलर वाटर डेफिसिट। ठीक है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर है काहे के लिए, प्लांट वाटर स्टेटस को टर्म्स में उसको हम मतलब कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और फिर इसका फार्मूला इक्वेशन देख लेते हैं। रिलेटिव वाटर कंटेंट अगर परसेंट में निकाल रहे हैं तो W माइनस डी डब्ल्यू अपॉन टी डब्ल्यू माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है। इसमें W जो है वो है सैम्पल फ्रेश वेट माइनस सैम्पल ड्राई वेट, ठीक है, डिवाइडेड बाई सैम्पल टर्जिड वेट माइनस सैम्पल ड्राई वेट इंटू 100। तो इस प्रकार से हम रिलेटिव वाटर कंटेंट निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और शेयर कर लें। थैंक यू।